बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल की वीडियो बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए बहुत सारे लोगों के। कुछ ने पूछा, सर लाइसेंस फ़ीस क्या होती है, क्या लाइसेंस आसानी से मिल जाता है, कितना एक्सपेंस लगता है इन लाइसेंस के अंदर, स्टार्टिंग में स्टोर को खोलने की कितनी कॉस्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार भी नीचे रेड बटन होगा, उसको दबा दो, पहले को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए कुछ 10 पॉइंट्स निकाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए। जब भी आप कोई भी बिजनेस कैनेडा के अंदर खोलते हो तो आपको ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 के ऊपर बात की जाए तो इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस। फ्रेंड्स, ये एक लाइसेंस है और ये लाइसेंस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई ओल्ड बिजनेस बाय कर लेते हो, इनकॉर्पोरेशन जो है वो पहले से हुई भी होती है उनकी, तो वो क्या करते हैं आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। लेकिन अगर आप कोई एक नया बिजनेस खोलते हो तो आपको एक नाम सोचना पड़ता है और देन फिर ये लाइसेंस परचेस करना पड़ता है। अब इस लाइसेंस की जो गवर्नमेंट फीस है वो तकरीबन भी $360 है, ठीक है। अभी आसपास बढ़ती भी रहती है और कम भी होती रहती है, तो इसीलिए जब भी आप खोलोगे तो आपको खुद को चेकआउट करना ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर आपको ऑन्टेरियो इनकॉर्पोरेशन नंबर लेना होता है। इसकी कोई भी फीस नहीं होती, सिर्फ सर्विस चार्जेस ली जाती है, तो वो आपको पे करने होंगे और वो कोई इतने ज़्यादा नहीं होते। नंबर 3 के ऊपर बात की जाए तो टोरंटो म्यूनसिपल एंड स्टैंडर्ड लाइसेंस लेना होता है, ठीक है। ये एक फूड रिटेलर लाइसेंस होता है दोस्तों और ये लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लोगे तो आप अपनी शॉप नहीं चला सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लाइसेंस लेना है और इस लाइसेंस को लेने के बाद एक लेटर होता है वो जो आपको अपनी दुकान के ऊपर लगाना होता है, मतलब आपको कन्वीनियंस स्टोर के अंदर वो लाइसेंस अटैच करना होगा ताकि कोई भी पुलिस आए या कोई भी ऐसा कोई बंदा आए गवर्नमेंट का तो वो उसको देख सके। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं होते। नंबर 4 के ऊपर बात की जाए तो आपको तम्बाकू लाइसेंस लेना होगा। फ्रेंड्स, तम्बाकू लाइसेंस का सीन ऐसा है कि ये जो लाइसेंस है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब $806 का है। इसमें भी फीस ऊपर नीचे होती रहती है, तो जब आप खोलोगे तो आपको चेकआउट करना ज़रूरी है कि अभी क्या फीस चल रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिगरेट अकाउंट्स जो है वो बनवाने होंगे, मतलब कि 2 कंपनियाँ बनाती है, एक इम्पीरियल है और एक RBH है। इन दोनों में से किसी एक के अंदर आपने अकाउंट खोलना होगा जहाँ से आप तंबाकू के चीज़ों मतलब प्रोडक्ट्स की जो परचेजिंग होती है वो आप करोगे, ठीक है। और इसको ओपन करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि आप पेमेंट जो है वो डायरेक्ट अपने बैंक के थ्रू कंपनी को कर पाओगे और डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद बात की जाए नंबर 6 की तो आपको एक कंपनी अकाउंट खोलना है, मतलब कि बैंक अकाउंट। अब कंपनी अकाउंट खोलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप उसी के जरिए पेमेंट्स भी करोगे और साथ ही में आप पेमेंट्स रिसीव भी उसी के जरिए करोगे। उसके बाद बात की जाए ATM की, तो फ्रेंड जब आप ATM लगाते हो तो यहाँ पर सीन ऐसा होता है कि आपको कार्ड की मशीन वगैरह भी लगानी होती है। अब ATM का सीन ऐसा है दोस्तों कि अगर आप एक नया बिजनेस खोलते हो तो आपको बैंक के अंदर एक एप्लीकेशन लिखनी होगी कि आप एक कन्वीनियंस स्टोर खोल रहे हो और उसी के अंदर जो है आप एक ATM भी रखना चाहते हो, तो ATM बैंक क्या करेगी, वो आपके यहाँ पर आएगी कन्वीनियंस स्टोर पे और वहाँ पे आपको ATM अटैच करके देगी, साथ ही में आपको उसकी परसेंटेज भी देगी। तो काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है कन्वीनियंस स्टोर के अंदर है सिर्फ इस ATM से भी। और यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग जो है वो कैश का यूज़ बहुत कम करते हैं कनाडा के अंदर, ज़्यादातर लोग अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास बैंक हो। उसके बाद बात की जाए नंबर 8 की तो यहाँ पर आपको अलार्म सिस्टम भी इंस्टॉल करवाना पड़ सकता है, क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर के अंदर अलार्म सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप जब भी अपने मतलब समझ लो कि आप रात में जब घर चले जाते हो तो पीछे से आपकी शॉप के ऊपर कोई मसला ना हो जाए, इसीलिए सिक्योरिटी मस्ट है। अलार्म सिस्टम क्या करता है, फ़ौरन से पुलिस को खबर कर देता है। उसके बाद बात की जाए नंबर 9 की तो यह है बिजनेस इंश्योरेंस, और बिजनेस इंश्योरेंस काफ़ी कंपलसरी है। अब यहाँ पे दोस्तों बिजनेस इंश्योरेंस सुनने के बाद मुझे पता है बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर कितना इंश्योरेंस चाहिए होगा, तो तकरीबन भी 500 से लेके $5,000 तक होता है। अब वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कन्वीनियंस स्टोर कितना बड़ा है क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर ही पता चलेगी। उसके बाद बात की जाए नंबर 10 के ऊपर तो ये है सिक्योरिटी कैमराज आपको जो है वो लगाने ही होंगे, और ये एक ज़रूरी चीज़ भी है और साथ ही में गवर्नमेंट ये चीज़ चेक करती है कि हर कन्वीनियंस स्टोर या कोई भी शॉप के ऊपर सिक्योरिटी कैमराज मौजूद होने चाहिए। उसके अलावा आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी।
तो फ्रेंड्स ये है कुछ चीजें, ये इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन आपको बिजनेस खोलने से पहले कनाडा को जो है वो दिखाना पड़ता है कि आपके पास पैसा है, तभी आप जो है ये सब चीजें कर रहे हो, बिजनेस खोल रहे हो, तो ये चीजें दिखाना जरूरी है। और फिर ये छोटे मोटे खर्चे हैं जो आपने करने होंगे बिजनेस के लिए। तो फ्रेंड्स बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।